नमस्कार दोस्तों, दीपू किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम बहुत ही अमेजिंग रेसिपी बनाएंगे। दोस्तों बिना देर किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने CNC का बिस्किट लिया है, तो आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा 10 ही रुपये में। दोस्तों डेयरी मिल्क चॉकलेट लिए हैं। देखिए दोस्तों पहले हम चॉकलेट को निकाल कर अलग प्लेट में रख लिए हैं। पर दोस्तों हमने 2 चम्मच दूध लिया है, हमें दूध नहीं ज़्यादा लेना है और इसे हमें बिल्कुल गर्म लेना है। अब हम इस चॉकलेट को इसमें डालकर हम इसे खूब अच्छे से पिघला लेंगे। देखिए दोस्तों ये जो चॉकलेट है पिघलने लगा है और इसी तरीके से देखिए हम इसे पिघलाते रहेंगे। और ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा से ये चॉकलेट पिघल गया है। तो सेम हमें इसी कंसिस्टेंसी में चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बिस्कुट को फाड़ कर निकाल कर रख लिए हैं। तो इस चॉकलेट में अब हम बिस्कुट को दोनों तरफ से डिप कर लेंगे, खूब अच्छे से डिप करेंगे। कि दोस्तों इसी तरीके से आप सभी को सारे बिस्कुट को डिप कर लेना है। तो आप सबको पतला नहीं करना है और इसे बस थोड़ा सा दूध इस्तेमाल करिए जितना कि ये आपका चॉकलेट पिघल जाए अच्छे से, नहीं तो दोस्तों ये रेसिपी जो है आपका बनेगा नहीं। देखिए दोस्तों हमने सारे बिस्कुट को डिप कर लिया है, इसी तरीके से सेम आप सभी को भी करना है। तो दोस्तों अब हम इसे फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देते हैं। तो दोस्तों 1 घंटा हो गया, इसे हम फ्रीजर से निकाल लिए हैं, वो अच्छे से सेट भी हो गया है। तो दोस्तों ये रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है, ये रेसिपी बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो इसे आप बच्चों को घर पर ज़रूर बनाइए और बच्चों को ज़रूर खिलाइए। दोस्तों बच्चे बहुत ही पसंद से खाते हैं। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए कि हमारा नया नया आने वाला वीडियो आप मिस ना कर पाएँ।